काम करते हैं, बैंक में काम करने के टाइम बैंक मैनेजमेंट भी ट्रेनिंग देता है, बुलाता है, रेजिडेंशियल कोर्स कराता है, दो दिन एक दिन, सम बैंक्स आर डूइंग इट कैप्सूल प्रोग्राम, तो क्या आपको समझाने के लिए कि हमारी बैंक में बैंक का बैंक कैसा चलेगी और उसमें आपकी रोल क्या होगा, काम करेंगे किस डिपार्टमेंट में, काम करने के टाइम कौन सा रूल्स लागू होगा, ऐसी तरीके का ट्रेनिंग बैंक मैनेजमेंट आपको देता है। लेकिन उसी तरीके से यूनियन भी महसूस करता है कि आपको यूनियन की तरफ से आप बैंक के अंदर एक कर्मचारी होकर क्या क्या करेंगे, और सामुदायिक रूप से कलेक्टिवली एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करते हुए एम्प्लॉयज की वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉयज की हकी के लिए क्या क्या करना चाहिए, और यूनियन की तरफ से हमारी कोशिश ये है कि आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये ट्रेनिंग जो है ये बैंक का ट्रेनिंग जैसा नहीं है। मेरा एक खास विनती है आप लोग से कि सोचो किचकिचो मत कि हम कुछ सवाल करेंगे तो शायद हमारी नॉलेज एक्सपोज हो जाएगा, या हमारी कितने तक हम होशियार है ये बाहर पता चल जाएगा, ऐसा मत कीजिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये आपकी ट्रेनिंग क्लासेस है, इसमें कोई कमी पर मैसेज करने की जरूरत नहीं है। आप जितना सवाल करोगे उतना आपके पास क्लैरिटी पहुंचे, प्लीज अंडरस्टैंड। इसलिए डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस। और ये उम्र में मुझे भी लगता है कि मुझे भी ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी चीज है आपको अपडेट करता है नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से, कुछ चीज जो मालूम नहीं है उसके बारे में, और जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में सारा चीज की जानकारी ट्रेनिंग के द्वारा मिलती है, और उसके द्वारा हम हमारी परसेप्शन को बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। और ट्रेड यूनियन के वर्कशॉप में एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, आपके अंदर एक नॉलेज डालना और आपके जो दृष्टिकोण है देखने का उसमें बदलाव लाना, और आप ट्रेड यूनियन की नेसेसिटी को समझते हुए आप यूनियन का भी काम बेहतरीन तरीके से करेंगे, ये एक्सपेक्टेशन के साथ ये कोशिश करेंगे। लेक्चर्स होगी, स्कूल जैसा ही ट्रीटमेंट होगा, डिसिप्लिन के साथ ही सीख सकता है, क्योंकि लर्निंग के लिए एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट भी बनना पड़ता है। इसलिए देखिए बोर्ड वगैरह आ गया है, अभी चाकपीस भी आएगा, डस्टर भी आएगा, आपसे कुछ लिखवाना भी पड़ेगा, आपसे कुछ बोलवाएंगे, आपको सिखाएंगे, और आपको सिखाते सिखाते हमारा कोशिश ये रहने वाला है कि हम भी कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि नया पीढ़ी के लोग जो बैंक में आए हैं वो क्या सोच रहे हैं संगठन के बारे में, संगठन की चलने के बारे में, और संगठन की क्या एक्सपेक्टेशन है उनका, और संगठन का एक्सपेक्टेशन भी उनके बारे में क्या है, ये सारा चीज़ जब डिस्कस होगा तो एज ए लीडर हम भी सीखने वाले हैं आपसे एक ही कुछ चीज़ होगा। अभी कॉमरेड कृष्णा पांडे इज दैट, वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिम हाउ टू डू यूज द सोशल मीडिया फॉर बेटरमेंट ऑफ ऑल। आज आप हर जगह में जाइए, हर तरीके का ट्रेनिंग होता है, हर लेवल में ट्रेनिंग होता है। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रनिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर डेवलपिंग द नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप अमंग द बैंक एग्जीक्यूटिव्स। प्लीज अंडरस्टैंड, बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो टॉप एग्जीक्यूटिव को बुला के आज भी कंटिन्यूसली ट्रेनिंग दे रहे हैं, सो दैट दे विल बी एबल टू हैंडल द एवर्जिंग न्यू सिनेरियो अराइजिंग आउट ऑफ वेरियस डेवलपमेंट्स इन द बैंकिंग सेक्टर। जीएम्स ट्रेनिंग ले रहा है, डीजीएम्स ट्रेनिंग ले रहा है, ईडीज आर टेकिंग ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी अपडेट अवर नॉलेज, वी अपडेट अवर डेवलपमेंट्स, and accordingly we also develop the perception as I told you। ये हो रहा है आज बैंक का अंदर भी। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडरशिप तैयार करने के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम टॉप एग्जीक्यूटिव को दिया जा रहा है। मैं जिस बैंक से आ रहा हूँ वहाँ एजीएम से लेकर जीएम तक कॉन्स्टेंटली दे आर बीइंग ट्रेन्ड। अगर नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं तो यूनियन में भी एक जरूरत है
कि हमें भी ये जरूरत है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप जो है आपसे हमें तैयार कर कर संगठन को चलाने के लिए जो प्रस्तुत करना चाहिए ये हो रहा है। इसलिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए है। ट्रेनिंग प्रोग्राम कोशिश करके हमने कुछ प्रोग्राम्स वगैरह किया है, उन्होंने टॉपिक्स वगैरह जो है डिसाइड किया है, कुछ लोग आएंगे आपके साथ लेक्चर देंगे, बातचीत करेंगे, तो जो भी टॉपिक उन्होंने डिसाइड किया है ये ठीक रहेगा, ऐसा तरीके के डिसाइड करेगा। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से आप ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आपकी सोचने का तरीका है, उसकी लेवल के ऊपर आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को नेक्स्ट टाइम और भी दूसरी तरीके का प्लेटफॉर्म में लेके जाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए ट्रेनिंग में आप भाग लीजिए, खुले मन से, खुले दिल से, फ्रीली यू शुड पार्टिसिपेट। सवाल कीजिए, कोई भी मन में सवाल आएगा तो हेजिटेट मत कीजिए। शायद आपके मन में जो सवाल आता है वो उसके मन में भी उधर होगा, वो भी सोचता होगा कि शायद मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, शायद आप पूछने से उसकी जो आंसर मिलेगा वो उसका भी समाधान होगा। इसलिए आप समझ के कीजिए, डोंट हेजिटेट। इट इज अ प्रोग्राम फॉर यू वेयर वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न, लर्निंग टू अनलर्न, अनलर्निंग टू लर्न, ऐसा कुछ थियरी है ना, ऐसी तरीके का we will unlearn to learn. Many of you are young fellows, hardly you have come from college, 10 साल के नीचे बहुत से लोग हैं, आप लोग अभी भी इस कॉलेज की वो टच रहेगा आपके पास, तो सब्जेक्ट नॉलेज आपकी दूसरी नॉलेज यू शेयर इट, टॉक टू योर ओन कॉलेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लंच, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टी, एक्सचेंज यूर आइडिया, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे वेन वी आर गोइंग आउट फ्रॉम हियर वी शुड गेट मोर एनर्जी, more knowledge, more enthusiasm, more aspirations we should drive, so that union ke liye aane wala din mein behtareen tarike se kaam kar sakte hain. Iske saath I feel that we can start the program. Thank you.